क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। और बच्चों, हम आपको हिंदी व्याकरण में अभी तक सारे अध्याय पढ़ा चुके हैं और इसमें हम आज से अभ्यास पत्र 3 के बाद है अध्याय 12, इनका हम दोबारा से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी खोल लीजिए अध्याय 12। अध्याय 12 जिसका नाम है गिनती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकाउंटिंग है, गिनती है, जिसे सबसे पहले आप एक बार फिर से लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, इन्हें अंग्रेजी अंकों में, अंग्रेजी शब्दों में, फिर हिंदी अंकों में लिखने का भी प्रयास कीजिए। उसके बाद है हिंदी शब्द और रोमन अंक। तो आप बच्चों इन शब्दों और अंकों को एक बार फिर से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये काउंटिंग अच्छे से लर्न हो जाए। और देखिए, आप आज आपको इस तरह से कार्य करने को दिया जा रहा है, तो आप भी सबसे पहले अपनी कॉपी खोलकर आज की दिनांक डाल दीजिए, फिर अध्याय संख्या 12 और जिसका नाम है गिनती। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित रोमन अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ रोमन अंक दिए गए हैं जो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, उनके सामने आप हिंदी शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए इस तरह से। और स्वयं भी कोशिश कीजिए कि पहले आप रोमन अंकों में लिखें या हिंदी शब्दों में, और फिर उसके सामने इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले नंबर 3, यहाँ पर क्या है, 3 आए हैं, ट्रिपल आई है ना, तो यहाँ पे है नंबर 3, फिर नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 9, फिर है 2, 4, 7, 10 और 8। तो आप भी इस तरह से इन रोमन अंकों को आगे पीछे करके लिखिए, फिर उनके सामने उनके हिंदी शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज बच्चों इस तरह से आप कर लीजिए यह कार्य। ओके बच्चों, थैंक यू।